साक्षी मलिक और बबीता फोगाट में जुबानी जंग जारी है। साक्षी मलिक के आरोपों पर बबीता फोगाट का बयान साक्षी मलिक को कांग्रेस की कठपुतली बताया है। उन्होंने शातिर दिमाग वाली महिला है साक्षी, ये कहना है बबीता फोगाट का। साक्षी और पति सत्यव्रत ने बबीता पर आरोप लगाए थे। साक्षी ने वीडियो जारी कर बबीता पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो साक्षी मलिक और बबीता फोगाट में जुबानी जंग चल रही है। साक्षी मलिक के आरोपों पर बबीता फोगाट का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साक्षी मलिक को कांग्रेस की कठपुतली बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शातिर दिमाग वाली महिला है साक्षी। बबीता फोगाट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। साक्षी और पति सत्यव्रत ने बबीता पर आरोप लगाए थे। साक्षी ने वीडियो जारी कर बबीता पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका जवाब बबीता फोगाट ने दिया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस की कठपुतली है साक्षी, शातिर दिमाग वाली महिला है। तो ये बयान बबीता फोगाट की तरफ से। मेरी दोस्त साक्षी मलिक ने जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी, एक कहावत है कि आंखों देखा और कानों सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये कहावत जो है साक्षी बहन की बातों पे चरितार्थ होता है। और आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही है, उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुल कर आइए, किसी की भावनाओं के और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे बहन अपनी वीडियो में कह रही है कि हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आज तक साक्षी बहन न तो किसी कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने उसके ऊपर बयान दिया है, और न ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपने बचाव में बयान दिया है। बावजूद इसके कि आप उनको काउंटर करने के लिए हर आदमी को आप ही जवाब दे रही हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक का। सनी, ये क्या चल रहा है साक्षी और बबीता के बीच में? जी देखिए, दोनों जो खिलाड़ी हैं, एक तो पूरा खिलाड़ी है बबीता फोगाट और एक वर्तमान में खिलाड़ी है साक्षी मलिक, अब दोनों में जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। पहले साक्षी मलिक और उसके पति सत्यव्रत काजा ने बबीता फोगाट और तीरथ राणा पर आरोप है वो लगाए कि इन्होंने ही धरने को है वो शुरू करवाया और इन्हीं के कारण हम धरने पर बैठे। लेकिन कल देर शाम जैसे ही बबीता फोगाट ने अपना ये वीडियो जारी किया, उसके बाद राजनीतिक और जो खिलाड़ियों की जो राजनीति हो रही है आजकल, उसमें एक भूचाल सा है वो देखने को मिला। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को शातिर दिमाग वाली बताते हुए कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर मैदान में आइए और दूसरों की भावना से खिलवाड़ ना करें। वहीं उन्होंने इस पूरे मसले पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। जी बिल्कुल, तो अब ये जुबानी जंग किस ओर जाती हुई नजर आ रही है सनी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहलवान महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, लेकिन 28 मई को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। वहां से सभी पहलवानों को हटा दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, लेकिन जब खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने इस पूरे एपिसोड में इस पूरे प्रकरण में हिस्सा लिया, तो बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को एक नसीहत दी कि किसान संगठनों का और खाप पंचायतों का सहारा लेकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अब आप बंदूक ना चलाएं और पास साफ होने की कोशिश ना करें। अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आप खुलकर मैदान में आए और आपने लड़ाई लड़े, किसी और पर ब्लेम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनी इस जानकारी के लिए।